जी सर देखो प्लीज, तो मैंने आपसे क्या कहा, इधर देखिए इधर, तो आपके पास क्या हो रहा है, रूट थ्री, रूट थ्री माइनस थ्री हो रहा है और फोर टू जा माइनस एट हो रहा है, माइनस एट माइनस इलेवन बाई फोर रूट थ्री हो रहा है, तो सिर्फ आपके पास एक से ही आया। लेकिन एग्जामिनर जो होता है ना सर, वो बड़ा खतरनाक सा होता है, आपको कह रहा है कि सम हमारे पास ये होना चाहिए, आपको ऑप्शन ही ऐसा दे दे, देखो इधर ध्यान से, आपको ऑप्शन क्या दे दे, ये गलत बात है सर, कि आप ही मजाक कर सकते हो, एग्जामिनर भी मजाक कर सकता है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि अभी हमने चेक किया, प्लीज़ इधर, अभी हमने चेक किया कि भाई अल्फ़ा प्लस बीटा जो है, ठीक है सर, माइनस बी बाई ए होना चाहिए, बी हमारा है फाइव, ए हमारे पास है फोर अंडर रूट थ्री, तो आपने चेक किया कि ऐसे कौन से ज़ीरोज हैं जिनका सम जो है वो माइनस फाइव अपॉन फोर रूट थ्री हो रहा है, तो सिर्फ माइनस में हमारे पास ये वाला ऑप्शन आया, तो ये हमने कहा था आंसर है, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर भी बड़ा खतरनाक होता है, वो आपसे कहते हैं कि नहीं सर, हमारे पास जो जीरोज हैं वो जीरो माइनस फाइव अपॉन फोर रूट थ्री है, डायरेक्ट एक पेयर जो है आपको ये वाला दे दे। अब आप अगर इसका सम लोगे, ठीक है भाई, जीरो प्लस माइनस फाइव बाई फोर रूट थ्री, तो यही आंसर आएगा। अब क्या करोगे, अब ये वाला ऑप्शन होगा या ये वाला ऑप्शन होगा, तो अब हमारे पास क्या होता है, दूसरी प्रॉपर्टी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है सर, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए, यस सर नो, सी हमारा कितना है सर, माइनस टू रूट थ्री, ठीक है सर, और ए हमारा कितना है सर, फोर रूट थ्री, तो फोर रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, टू से टू, तो आपको वो वाले जीरोस चाहिए जिनका प्रोडक्ट माइनस वन बाई टू आना चाहिए, क्या आना चाहिए। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, इसको करोगे तो क्या आएगा, जीरो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो जीरो हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो रूट थ्री से रूट थ्री और टू बाई टू, टू बाई फोर, वन बाई टू, आ गया नहीं आ गया, तो ये हमारे पास ऑप्शन होता, क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन चेक करो जरा इस पे ही, चलो देखो इतना इजी सा क्वेश्चन दिया, वैसे ही को बताओ, चलो शाबाश, आपके पास क्या है, ये दिया हुआ है, ठीक है भाई, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द, ये तो मजाक ही कर रहे हैं, इसको तो कुछ करना नहीं, सॉरी, चलो बताओ जल्दी से, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, आपके पास ये पॉलिनोमियल है नाइन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, इसका सम ऑफ द जीरोज क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, बताओ जल्दी से, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, बी है इसमें कहीं, तो जीरो हो गया, बात खत्म हो गई। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए, सी कितना है, माइनस फाइव, ए कितना है, नाइन, माइनस फाइव बाई नाइन, ठीक है सर, कुछ करना नहीं था, ये तो खैर वैसे ही था, मजाक कर रहा था सर। चलिए देखो एक ये क्वेश्चन आपको बहुत परेशान करेगा, अगर आप इसको अपने हिसाब से सॉल्व करोगे तो आपको कितना टाइम लगता है, ठीक है सर, देखो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है भाई, अगर इसकी हम बात करें, आपने इसको एनसीईआरटी में सॉल्व किया है, ठीक है, आपसे क्या कह रहा है, अदर जीरोज ऑफ थ्री एक्स की पावर फोर प्लस सिक्स एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस फाइव, इफ टू ऑफ इट जीरोज आर अंडर रूट फाइव बाई थ्री
एंड माइनस अंडर रूट 5/3 है ना सर? अब इसको अगर आपने एनसीईआरटी में सॉल्व किया तो देखो कितना वहाँ पे हमें कितना मेहनत करनी पड़ती है। पहले हम पॉलीनोमियल्स बनाएंगे, ठीक है। पहले हमने क्या किया था, हमने किया था कि भाई ये हमारे पास जीरोज़ हैं, ठीक है जी, ये हमारे पास जीरोज़ हैं, तो हमने इससे पॉलीनोमियल बनाया था, ठीक है। पॉलीनोमियल्स बनाने के बाद फिर इसको डिवाइड किया था, फिर इसको डिवाइड करने के बाद जो पॉलीनोमियल उसको फैक्टराइज किया था, फिर जीरोज़ निकाले थे। और अगर आपको जीरो निकालना है तो आप तो ऐसे ही करोगे जी। देखो जरा, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास सीधा सीधा सा है कि भाई हमारे पास होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई, यस सर नो? अब अगर अल्फा हमारा ये है, ठीक है सर, कितना रूट 5/3 प्लस बीटा हमारा ये है रूट 5/3 गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू माइनस बी। सर देखो जरा ध्यान से, ठीक है भाई, ठीक है, ये हमारे पास, फिर इसका मतलब हमारे पास क्या है सर, ए हमारे पास है 3, बी हमारे पास क्या है 6, तो माइनस 6/3 है ना भाई, माइनस 6/3 ये हो जाएगा, तो कितना हो गया सर, माइनस 2 आ गया, क्या आ गया, तो ये तो सर जीरो हो गया, एक प्लस में और एक, तो आपके वो जीरोज होने चाहिए जिनका सम माइनस 2 आ रहा हो, जिनका सम, इसका सम क्या आ रहा है, इसका सम क्या आ रहा है, इसका सम क्या आ रहा है, जीरो, तो माइनस 2 किसका आ रहा है, तो ताकत लगाने की जरूरत है, ये हमारा आंसर आ गया, समझ अच्छा, ठीक बनी जी बात, नहीं बनी जरूर दिमाग से करने पड़ेंगे एमसीक्यूज, अदरवाइज 20 क्वेश्चन के अंदर आप उतना ही टाइम लोगे जितने अदर 20 क्वेश्चन में लोगे। मैंने अभी आपसे क्या कहा, प्लीज इधर देख लो, मैंने अभी आपसे ये कहा है सर इधर, कि अगर मान लीजिए माइनस 2 यही एक ऑप्शन और दे देता आपको, ठीक है जी, आपको एक और ऑप्शन दे देता 0-2, तो इसका सम भी कितना है, और इसका सम भी कितना है। अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचता है, हमारे पास बचता है प्रोडक्ट, है ना भाई, याद है कुछ, हमारे पास बचता है सर जी प्रोडक्ट, क्या था प्रोडक्ट, कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा, बस प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए सही तरीके से, इज इक्वल्स टू ये होता है बी अपॉन है 1 का सम, 2 का सम सी अपॉन है, 3 का सम डी, और ये हमारे पास सी, तो बी माइनस प्लस माइनस प्लस, तो कितना आएगा भाई, बी सी डी ई अपॉन ए। आपके पास क्या आ रहा है सर, एक तो है रूट 5/3 माइनस में, एक है आपके पास रूट 5/3 प्लस में, ठीक है। गामा इंटू डेल्टा आपको पता नहीं है, ई आपके पास कितना है सर माइनस 5, ए आपके पास कितना है सर 3, तो अब आपके पास जरा ध्यान से देखो इधर, आपके पास क्या हो गया, रूट से रूट कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया सर माइनस 5/3, कितना आ गया माइनस 5/3 गामा इंटू डेल्टा, माइनस 5/3 से माइनस 5/3, तो गामा इंटू डेल्टा इज इक्वल्स टू 1, यस सर नो? माइनस से भी माइनस कैंसिल, तो अब आपको ऐसे जीरोस चाहिए जिनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब इसका अभी मैंने आपसे कहा था अगर हमने यहाँ पे 0-2 लिया है, ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट तो 0 आएगा, लेकिन इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, 1 × 1 इज 1। नालायक सम भी ढूंढा था पहले, तो सम किसका आया था माइनस 2, फिर तो इन दोनों में से चेक कर रहे हैं किसका आंसर है, वो तो है ही नहीं, वो तो पहले ही सोच चुके, आ गया सर समझ में? अल्फा प्लस बीटा चेक कर रहे थे तब वहां पे 2 में डाउट हुआ था, ये तो थे नहीं ना अल्फा प्लस बीटा में, सर समझ में आ गया, ऐसे करें, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन है ना ये वो हैं, ये वाले, ये पूरे सारे पेपर्स में आए हैं, देखो ये आपसे क्या कह रहे हैं, चलो एक एक करके सारे सॉल्व करते हैं। ये प्रीवियस ईयर्स के अलग अलग सालों में जो क्वेश्चन आए ये हैं, चलो बताओ, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल क्यूबिक पॉलीनोमियल ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, देन अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, कितना सम ऑफ 2 हो रहा है, 1 का सम बी होता है, 2 का सम सी होता है, 3 का सम डी होता है, तो 2 का सम बी सी होगा, माइनस फिर प्लस, तो प्लस में सी बाई ए, ठीक है सर, तो बी ऑप्शन हमारा है ना। फिर आपसे कह रहा है एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 4a-3b-2c का स्क्वायर, 9th का है, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। अब इसमें ये देखना होता था कि कौन कौन सी टर्म माइनस में है, तो माइनस में कौन कौन हो रहे हैं, बी और सी, तो जहाँ जहाँ बी सी आएगा वहाँ वहाँ माइनस हो जाएगा अलग अलग, लेकिन जब दोनों साथ आएंगे तो वो प्लस में हो जाएगा। चलो खैर ये तो 9th का था, बाद में सोच सकते हैं इसको, तो
ठीक है सर, द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए बी माइनस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए एक्स, ठीक है, आर ज़ीरो आर वन एंड व्हाट, ठीक है, ये हमसे दे रहा है द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन बी सी माइनस ए एक्स सी ए माइनस बी आर ज़ीरो आर वन एंड द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन में एक्स स्क्वायर होना चाहिए था, हाँ जी सर, इसमें ना इक्वेशन में एक्स होना चाहिए था, एक मिनट में से लिख दूँ, चलो बताओ ज़रा क्या करोगे, इसमें एक्स स्क्वायर मिसिंग है, वन लाइन का क्वेश्चन है, डराएगा बहुत, ठीक है, होना क्या चाहिए था, देखो इधर ज़रा ध्यान से, आपसे क्या कह रहा है, द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, ये इक्वेशन जो है ना ये ऐसे होगी ए बी माइनस सी एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, प्लस बी सी माइनस ए इंटू एक्स, ठीक है, प्लस सी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, आपसे कह रहा है टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर वन एंड, तो एक रूट तो वन हो गया, दूसरा रूट आपको निकालना है, तो दूसरा रूट कौन सा है बताओ, जल्दी बताओ, एक सेकंड में, एक सेकंड में, बस ख़त्म, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी भी है, उसका एक जीरो बता दिया उसने, वन है, आपसे कह रहा है दूसरा जीरो बताओ, क्वेश्चन समझ में आ गया ना, आपसे कह रहा है टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, ठीक है, आपको टू रूट्स निकालने हैं, लेकिन उसने एक रूट खुद बताया हुआ है कि भाई एक रूट तो वन है, तो दूसरा रूट बताओ, अब यही तो प्रॉब्लम है सर, सीधी सी बात है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, अल्फा हमारा वन है तो हमें सिर्फ बीटा निकालना है, एक रूट हमारा क्या दिया हुआ है वन, तो दूसरा रूट हमें निकालना है, ठीक है सर, अब हमारे पास क्या है सी, सी हमारा कितना है सर ए माइनस बी, और ए हमारा कितना है सर, तो सर इसमें कुछ ज़्यादा ताकत लगानी थी, तो दिमाग नहीं चल रहा सर, आ गया नहीं आ गया, यही तो बीटा है, वन से कुछ होगा थोड़ा ही, तो बीटा क्या है सी ए माइनस बी अपॉन ए बी माइनस सी, कौन सा ऑप्शन है, फिर जी नींद खुली नहीं खुली अभी, अच्छा अभी नहीं खुली, आ गया जी समझ में सर, ताकत नहीं लगानी, दिमाग लगा, सम की ज़रूरत नहीं है यहाँ, क्योंकि यहाँ अल्फा भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है जी, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है ना, हमें तो सीधा सीधा क्या निकालना है, एक दिया हुआ है दूसरा निकालना है, ठीक है, आप अगर उसे सम से निकालना चाहो उसे निकाल सकते हो, आपके पास क्या है सर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, लेकिन उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, क्योंकि वहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, अल्फा कितना है सर, बीटा कितना है सर, नहीं मालूम, बी कितना है सर, ठीक है सर, बी सी माइनस ए है ना भाई, अपॉन ए कितना है सर ए बी माइनस सी, अब इसको इधर लाओगे या वन को इधर लाओगे, जैसे भी आप करो, वन क्या होगा तो अब तब आपके पास बीटा आएगा, तो इससे आपको आसान लग रहा है उससे आसान लग रहा है, दैट्स इट, तो यही सोचना है आपको कि कहाँ पे आपको क्या इस्तेमाल करना है, ठीक है जी, चलो जी एक क्वेश्चन और देखो, चल गई, ये क्वेश्चंस ऐसे ही बता देता हूँ, ये प्रॉपर्टी पे बेस्ड है एक्चुअली, सॉरी बताओ सर ये कौन सॉल्व करेगा, पहले आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए फिर मैं बताता हूँ, आपसे कह रहा है द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बताओ जी क्या होगा इसका, बी होगा जी, बहुत है जी, चलो जी और कोई बताओ जी,
क्वेश्चन समझ में आ गया है क्या? क्वेश्चन ये है हमारे पास कि भाई हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, इसके जीरोज़ हैं अल्फा एंड बीटा। आपसे क्या कह रहा है, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म्ड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ दिस, इसके रेसिप्रोकल से जो नया पॉलिनोमियल बनेगा, यानी कि जो नया पॉलिनोमियल बनाना है उसके जीरोज़ होंगे वन अपॉन अल्फा एंड वन अपॉन बीटा। आगे समझ में, इसके अगर अल्फा बीटा हैं तो उनके रेसिप्रोकल, तो उनके रेसिप्रोकल से जो पॉलिनोमियल बनेगा उसकी बात कर रहा है। तो आपको मालूम है अगर आपको कभी भी पॉलिनोमियल बनाना हो तो आपको सम चाहिए, क्या चाहिए, और आपको प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसकी वैल्यू निकालनी सिखा रखी है आपको, तो आपके पास क्या आएगा अल्फा बीटा, आपके पास क्या आएगा बीटा प्लस अल्फा, यहाँ पे क्या आएगा वन अपॉन अल्फा बीटा, ठीक है सर। अल्फा प्लस बीटा कितना है सर, माइनस बी बाई ए, है ना भाई। यहाँ से अगर हम अल्फा प्लस बीटा लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस बी बाई ए, तो कितना हो गया सर, और अल्फा इंटू बीटा कितना है सर, सी बाई ए, टू बाई वन, यानी कि टू। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया थ्री, अल्फा बीटा हो गया टू, और वन अपॉन अल्फा बीटा हो गया वन अपॉन टू। तो आपका जो पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम, सम कितना है सर, थ्री बाई टू एक्स, प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना है सर वन अपॉन टू। टू आप एलसीएम ले लोगे, टू एलसीएम लोगे तो यहाँ आ जाएगा, तो टू अगर एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा सर, ये टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन अपॉन में क्या होगा सर, टू होगा। उस टू को तो हम हटा देते हैं, तो हमारा जो पॉलिनोमियल आएगा वो क्या आएगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन। एक्चुअली होता क्या है, जब रेसिप्रोकल्स होते हैं ना, तो रेसिप्रोकल में सीधा सीधा सा ध्यान रखना, इसको इंटरचेंज कर देते हैं बस, ये प्रॉपर्टी है, जो यहाँ है वो नंबर यहाँ चला जाएगा और जो नंबर यहाँ है वो यहाँ नंबर चला जाएगा। मतलब अगर आपके पास पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो इसके जो रेसिप्रोकल्स होंगे वो इक्वेशन होगी सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, ए और सी को इंटरचेंज कर दीजिए बस, ठीक है सर, ये फ़र्क पड़ेगा। आगे समझिए, तो कुछ चीज़ें जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ बेस्ड हैं। चलो जी देखो एक दो क्वेश्चन और, चलो जल्दी से इसका आंसर दो, ये उसी पे बेस्ड है जो अभी हमने किया था ना। ये वाला बट ये इजी है क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है सर। जल्दी बताओ, इफ टू इज वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, टू दिया हुआ है आपसे, कह रहा है अदर टू जीरोज आर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है, माइनस बी, बी कितना है माइनस फोर, तो माइनस माइनस, तो दोनों का, तीनों का सम फोर होना चाहिए, तीनों का सम, तो एक हमारे पास टू है तो बाकी टू का भी सम टू होना चाहिए, तो किसका सम टू आ रहा है, ख़त्म खानी। सर समझ में आ गया, तो पेन क्यों चला रहे थे, बात समझ में आई जी नहीं आई। आपके पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, तो माइनस माइनस प्लस, फोर अपॉन वन इज फोर। क्या बोलिए, चाय पिलवाएं क्या, भूख लग रही है ना, देखो इन्हें कुछ खिलवा दो सामने, ठीक है सर। तो अब हमारे पास क्या है, अल्फा हमारे पास पहले से ही दिया हुआ है टू, नहीं भाई अल्फा क्या दिया हुआ है, टू दिया हुआ है, बीटा हमें पता नहीं है, गामा हमें पता नहीं है, ठीक है। माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी, बी हमारा कितना है माइनस फोर, ए हमारा कितना है वन, तो इसका मतलब कितना हो गया, तो इस टू को अगर इधर ले जाके माइनस करूँगा तो टू आ जाएगा। तो आपको वो वाले जीरोस चाहिए जिनका सम टू आ रहा हो, तो अब आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि किसका सम टू आ रहा है, तो सिर्फ इसी का आ रहा है, तो ये मेरा आंसर है, ठीक है सर। हर चैप्टर में यही करना है, ठीक है, जीरोस निकालने के लिए ऑलमोस्ट हर चैप्टर में यही होगा, वो सॉरी सॉल्यूशंस निकालने के लिए। देखो जी और भी कुछ है क्या,
चलो इसे कौन कितनी जल्दी बता सकता है, थोड़ा सा तो कैलकुलेशन है इसमें, लेकिन बताओ कौन कितनी जल्दी बताएगा। हैं सारे एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस आपके, ठीक है सर। आपसे कह रहे हैं ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू बाई ए पॉलिनोमियल जी एक्स, द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर वर एक्स माइनस टू एंड माइनस टू एक्स प्लस फोर, देन द पॉलिनोमियल जी एक्स इज इक्वल्स टू। हाँ जी एनसीईआरटी का ही है, देखा ऐसे रट लिए इन्होंने साथ। ठीक है भाई, हमारे पास क्या है करना, ये मतलब इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, लेकिन कैलकुलेशन हमें कितनी करनी है वो आपको देखना पड़ेगा। आपके पास क्या है, आप इसको डिवाइड कर रहे हो किसको, एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, किससे डिवाइड कर रहे हो, जी एक्स से। उससे फिर आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन कितना आया है सर, एक्स माइनस टू, ठीक है सर। फिर रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर कितना आया है सर, माइनस टू एक्स प्लस फोर। सर समझ में आ गया, अब आपके पास क्या होगा सर, ये इधर आ जाएगा। अगर ये इधर आएगा तो आपके पास क्या होगा सर, आपके पास हो जाएगा इधर देखो एक्स क्यूब, ठीक है सर, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स है, ये इधर आके आपके पास प्लस ही हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा प्लस थ्री एक्स। क्या हो जाएगा सर, प्लस थ्री एक्स, ये आपके पास प्लस टू है, इधर आके माइनस फोर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस टू। अब आप खुद ये सोच सकते हो कि एक्स माइनस टू को किससे मल्टीप्लाई करूं, किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास ये आ जाए, ठीक है सर। लास्ट में मुझे क्या चाहिए, माइनस टू चाहिए, क्या चाहिए, तो माइनस टू किससे आ रहा होगा, इससे आ रहा होगा, इससे आ रहा होगा, इससे आ रहा होगा, इससे आ रहा होगा। डॉक्टर साहब कहते लास्ट में डी ऑप्शन है, ठीक है जी, तो डी ऑप्शन है। हाँ जी आपका ऑप्शन तो ख़त्म हो गया, बताओ जल्दी से कौन सा ऑप्शन है। जल्दी बताओ फटाफट, हैं जी x माइनस टू को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास ये आ जाए, ठीक है जी। x क्यूब तो सबसे आएगा, इसकी तो कहानी ख़त्म, बचा क्या बस माइनस के थ्री एक्स स्क्वायर, किसके माइनस के थ्री। अभी तक देखो ज़रा, अगर एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करूं तो माइनस के टू एक्स स्क्वायर आएंगे, और अगर इससे करूंगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, तो माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। क्या यहाँ से माइनस थ्री एक्स स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर मिलेगा, किससे मिल रहा है, ख़त्म हो गई कहानी। हम समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, कुछ पता नहीं क्या बोल रहे सर, आप जब बोल रहे हो मुझे तो हाँ करना है, बता मैंने क्या बोला। सर आपने बोला कि उसको किससे मल्टीप्लाई करें, वो कौन, कल ही मैं देख रहा था, कहने बहुत बड़े मैथ्स के टीचर हो के जी हाँ, के बताओ इतने में उतने जोड़े तो कितने हुए, इतने में उतने जोड़े तो कितने हुए, देखो ये ना आप कह रही हैं उतने हुए है जी, कौन सा क्या आ जाए बता, ये वो आ जाए कौन, तो वो तो आना ही है, उतना करने लगे तो हो गया काम। हाँ भाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई किससे कर रहे थे आप, एक्स माइनस टू से, क्या हो रहा था एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को इससे कर दिया, एक्स स्क्वायर को इससे करो माइनस टू एक्स स्क्वायर, फिर एक्स से करो माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है सर, फिर इससे करो सर माइनस माइनस प्लस टू एक्स, ठीक है सर, फिर वन से करो सर प्लस एक्स, और फिर करो सर माइनस टू से, है ना जी। यही तो आ रहा हमारे पास, तो हमारे पास क्या आया सर, आ गया एक्स क्यूब माइनस के थ्री एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है सर, और जी प्लस का थ्री एक्स भी आ गया, माइनस का टू भी आ गया, ठीक है सर। तो आपने डी वाला कैसे बताया था, हम तो आपकी वजह से करें इसको, ऐसे मत क्या कीजिए, ठीक है सर, ये हमारे पास है। तो अगर कहीं कैलकुलेशन भी करनी पड़ी तो लिमिटेड करने की कोशिश करिए, और अगर इस तरह से आप सोचोगे एमसीक्यूज तो ये सब्जेक्टिव में भी आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आपको पहले से ही आइडिया होगा मुझे करना क्या है। रोते रोते जो क्वेश्चन करते हो ना, फिर उससे आगे बढ़ जाओगे तुम लोग, हाँ जब सोच लोगे कि हाँ होना क्या है तो समझ में रहेगा ना, फिर आसान लगता है चीज़ों को करना।
चलो बताओ, ये तो क्वेश्चन इजी सही है। जल्दी बताओ, वन रूट ऑफ द इक्वेशन बी रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ के। नहीं जी, माशाल्लाह सही जा रहे हो तुम्हें। हाँ जी सर, ठीक है। आपके पास क्या है, आपसे कह रहा है कि जो इफ वन रूट ऑफ दिस आर रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, अगर एक अल्फा है और एक बीटा है, मान लो यही तो कहते हैं हम, लेकिन बीटा जो है वो वन अपॉन अल्फा है। वन रूट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, अल्फा है तो दूसरा वन अपॉन अल्फा, एक को बीटा ले रहे हो तो वन अपॉन बीटा, तो इसका सबसे इजी, अगर रेसिप्रोकल दिया हुआ है तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू सी अपॉन ए होगा, क्या होगा। दूसरी बात ये जो मुझे निकालना है वही वाला रूल अप्लाई करना है, क्योंकि मुझे सी ही निकालना है तो सी वाला ही अप्लाई कर दो, देख लो उससे आ रहा है नहीं आ रहा है, तो के अपॉन थ्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, यस और नो। तो अल्फा से के इज इक्वल्स टू, तो वन आ जाएगा आंसर, है ना भाई। अच्छा थ्री आएगा, ओ सॉरी, अच्छा बाद में आपने बोल दिया था सही। अच्छा इतना टाइम मिलेगा आपको कि एक बार गलत बोल के दोबारा सही, वहाँ कोई मिलेगा टोकने वाला, वहाँ तो सर सेल्फ चेकिंग करनी है, आपको खुद ही सोचना पड़ेगा कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। समझ में आया जी। चलो जी एक चीज़ और चेक करनी थी, कहाँ है वो। अच्छा जी वो कहाँ है, यहाँ होना चाहिए, टेंथ मैथ इंग्लिश, यस यहाँ है। क्या हुआ, थक गया क्या? आधे तो थके हुए हैं जी, पढ़ाओ मत, बातें करा लो बस, फिर नहीं थकेंगे। देखो सर पहला क्वेश्चन यही दिया हुआ ना, बताओ जल्दी से आंसर फटाफट। वन रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द देन द वैल्यू ऑफ के, के बाय फाइव। अच्छा ठीक है जी, जी जी जी। क्वेश्चन नंबर टू बताओ, अल्फा बीटा आर द जीरोस, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस वन माइनस सी, सच दैट अल्फा प्लस वन प्लस बीटा प्लस वन की वैल्यू जीरो है, देन सी इज इक्वल्स टू, कौन बताएगा। ये शायद हमने कल किया था, फोर्थ वाला। कल का तो हमें याद भी नहीं है सर, है कौन सा, हाँ वही कल किया था ना हमने शायद, कल आप लोगों ने पूछा था किसी ने, इसको दो तरीके से कराया था मैंने। बताओ सर तीनों के आंसर, दो मिनट है आप लोगों के पास, देखें तीन दो क्वेश्चन दो मिनट में कौन कौन आंसर देते हैं, तीनों की आवाज़ नहीं, सॉल्व करो जल्दी से, दस सेकंड हो गए। पेन चला सकते हो इन क्वेश्चंस में, थकता है दिमाग मत चलाओ। लास्ट वाला होगा फोर्थ का,
तीनों का बताओ ना सर जी।